मार्च अप्रैल 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 में 10-11 को है दिवस महत्वपूर्ण, देख लेते हैं। देखिए आराम से एक एक मांग करवा रहे हैं, याद हो रहा है ना? ठीक है, याद इसलिए ये एक एक मांग करवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, समझ गए? नहीं तो करवाने के लिए तो एक दिन में भी करवाया जा सकता है, समझे? और अभी टाइम है हम लोगों के पास 15 दिन, तो इसलिए एक एक करके करवा रहे हैं, समझ गए? टाइम नहीं रहता तब तो एक दिन में करवा देते हैं। अप्रैल समता दिवस, समता दिवस की अगर आप बात करेंगे तो जो समता दिवस है या 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। देखिए आप एक केंद्रीय मंत्री का नाम सुने होंगे, केंद्रीय मंत्री जो सबसे अधिक वर्षों तक केंद्रीय मंत्री के पद पर रहे हैं, बाबू जगजीवन राम, बिहार के आरा के थे, बिहार के आरा के थे, दलित जाति से आते थे, दलित जाति से आते थे बाबू जगजीवन राम। जगजीवन राम, जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 ईस्वी को आरा में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री बनाए गए थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में भी श्रम मंत्रालय ही इन्हें दिया गया था, और देश के ये प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री बने हैं, देश के ये प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री बने हैं, दलित उप प्रधानमंत्री बने हैं बाबू जगजीवन राम। उन्हीं के जन्मदिवस 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है, उन्हीं के जन्मदिवस 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जगजीवन राम के परिवार से ही संबंधित है मीरा कुमार, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षता श्रीमती मीरा कुमार बनी है, कांग्रेस की सदस्य है वर्तमान में। आगे है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर आप बात करेंगे तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए वैश्विक स्तर पर विश्व के सभी देश के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने हेतु काम विश्व स्वास्थ्य संगठन करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएनओ की एक अनुशंसी संस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद आगे है आपको अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती की अगर हम बात करें तो आप सब लोग जानते हैं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। इसके बाद आगे है आपको विश्व वैमानिकी और ब्रह्मांड दिवस, विश्व वैमानिकी और ब्रह्मांड दिवस की अगर हम बात करें तो यह भी जो है आपको 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है, 14 अप्रैल को ही यह भी मनाया जाता है। फिर आपको आगे है विश्व हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया क्या है जी? बीमारी है ना जी, बीमारी है, विश्व हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और विश्व हीमो फीलिया दिवस की अगर आप बात करेंगे तो जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है यह दिवस जो है आपको मनाया जाता है 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को यह दिवस जो है आपको मनाया जाता है। इसके बाद आगे अगर आप आएंगे
तो इसके बाद आगे है आपको पृथ्वी दिवस, आगे है आपको पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की अगर आप बात करेंगे तो जो पृथ्वी दिवस है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता 22 अप्रैल को। इसके बाद पृथ्वी दिवस के बाद जो है आगे है आपको विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की अगर आप बात करेंगे तो जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को, यह 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आगे है आपको राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। देखिए राष्ट्रीय पंचायत दिवस की अगर आप बात करेंगे तो जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस है यह आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिए गए थे। और जो 73वां संविधान संशोधन 1992 था, 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को हुआ है। और यही कारण है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद आगे है विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस। और विश्व मलेरिया दिवस की अगर आप बात करेंगे तो जो विश्व मलेरिया दिवस है, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपको 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे है विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस की अगर हम बात करें तो जो विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस है यह मनाया जाता है आपको 26 अप्रैल को, यह आपको 26 अप्रैल को मनाया जाता है, 26 अप्रैल को यह दिवस जो है आपको मनाया जाता है। अप्रैल में यही जो 10-12 जो भी होगा, ठीक है आप अपना गिन लीजिएगा, गिनने से क्या मतलब है, महत्वपूर्ण अप्रैल के दिवस यही है, अप्रैल के महत्वपूर्ण ये दिवस है, हाँ जो भी है ठीक है इसको जो है आपको याद रख लेना है, क्लियर है। तो आइए गुरुजी लोग इसको हम लोग करते हैं याद। बताइए सप्ता दिवस, समता दिवस, समता दिवस, विश्वास दिवस, विश्वास दिवस, विश्वास दिवस, अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती, विश्व वैमानिकी और ब्रह्मांड दिवस, विश्व वैमानिकी और ब्रह्मांड दिवस, विश्व वैमानिकी और ब्रह्मांड दिवस, विश्व हीमोफिलिया दिवस, विश्व हीमोफिलिया दिवस, विश्व हीमोफिलिया दिवस, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। और देखिए जैसा कि हम पृथ्वी दिवस और जल दिवस, जल संरक्षण दिवस, इसमें हमको अपने स्टूडेंट लाइफ में बड़ी कन्फ्यूजन होता था, कन्फ्यूजन होता था, समझ गए। तो इसको जो है 22 अप्रैल 22 मार्च इसमें कन्फ्यूजन आपको भी होता होगा, तो इसको सतर्कता से याद रखिएगा। और इसमें कन्फ्यूजन होता है यही वजह है कि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा आता है इन दोनों दिवस से, तो इसलिए सतर्कता से आप अपना याद रखिएगा जैसे हम अपना याद रखे हुए हैं। चलिए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस। चलिए आगे